मेरे दोस्तों को नगीना शर्मा की तरफ से, बोकारो गार्डन की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, ये जो सामने मैंने प्लांट रखे हैं, ये फाइकस का प्लांट है। फाइकस के हजारों वैरायटी आपको मिलेंगे, जिसमें हमारे आसपास में पीपल, बरगद वगैरह भी जो है वो सब भी आपका फाइकस में ही आता है। यह बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट होता है, इसकी केयर भी अधिक नहीं करनी पड़ती है और ये आपको हमेशा सालों भर इसके पत्ते हरे भरे इसी तरह दिखते हैं। बहुत कम समय के लिए इसके पत्ते आपको नदारत मिलेंगे। साथ ही यह थोड़ा सेंटिमेंटल भी होता है, जब इसको रिपोर्ट किया जाता है, नई जगह में जब डाला जाता है तो ये अपने सारे पत्ते गिरा लेता है। फाइकस की बहुत सारी वैरायटी है, मैंने पहले भी कुछ लगा के रखी है, जैसे आइसलैंड फाइकस मैंने लगाई है, पीपल लगाई है, इसके बाद बनियान ट्री लगाई है, बहुत सारे फाइकस के मैंने प्लांट लगाए हैं। लेकिन जब मैं इसको देखी, इसके पत्ते इतने खूबसूरत दिख रहे थे, मुझे पसंद आ गए, तो मैंने इसे यहाँ ले आया खरीद के और अब सोच रही हूँ कि आपके साथ इसे शेयर कर लेती हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसके पत्ते कितने नन्हे नन्हे हैं और कितने ढेर सारे ब्रांचेज इसने दे रखी है। और इसको ग्रो करने की बात करोगे तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। आइसलैंड फाइकस का मैंने 3-4 पौधा प्लांट बना लिया है, एक मैं खरीद के लाई थी और उससे ढेर सारे मैंने नए प्लांट बना लिए हैं। सॉयल की बात करोगे तो इसे कोई खास सॉयल नहीं चाहिए, जैसा भी सॉयल हो, यहाँ तक कि आपके दीवार पर भी जो चूने वगैरह किए रहते हैं उसके बाद भी पीपल बरगद के प्लांट निकल जाते हैं। तो ये है फाइकस का अपना गुण। अब इसकी बोनसाई बहुत अच्छी बनती है और मैं इसे लाई भी हूँ इसी ख्याल से कि इसको बाद में बोनसाई बनाऊंगी, इसके इस पर वायरिंग करके और इसकी बोनसाई बनाई जाएगी। लेकिन अभी चूंकि ये प्लांट का ट्रंक बहुत ही पतला है, इसलिए मैं अभी इसको बोनसाई पॉट में नहीं डालकर ऐसे जनरल वाले पॉट में रिपोर्ट करूंगी। जब इसके ट्रंक थोड़े मोटे हो जाएंगे तब बोनसाई वाले में इसको ले जाऊंगी। ये नर्सरी से लाने के बाद आप देख रहे होंगे इसके रूट्स किस तरह से बाहर हैं, पॉलीथीन के से बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ परेशानी एक ही आपको आती है कि इसको आपको बीच बीच में इसके गमले को, इसके पॉट को हिला डुला कर देखते रहना है। इसके रूट गमले से बाहर निकलकर आपके दीवार के नीचे न पहुंच जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसके रूट बढ़ते हैं और इतना बढ़ने के बाद वो आपके दीवार को भी तोड़ सकते हैं, तो इसलिए उसमें सतर्क रहनी है। सन की बात करोगे तो इसे फुल, ऐसे तो इसको फुल सनलाइट चाहिए, जितनी ज़्यादा धूप में रहेगा इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन अगर आप इसको नहीं पूरी धूप में रख पाते हो तो भी यह बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने वाला प्लांट है, किसी भी स्थिति में जी लेगा, लेकिन जिएगा जरूर। जिंदा रहने के लिए इसको बहुत कुछ नहीं चाहिए। तो इसको आज हम लोग पॉलीथीन से निकालते हैं और इसको रिपोर्ट करते हैं और साथ में इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसे पॉलीथीन से बाहर निकाल लिया है, इसके रूट्स इस तरह से डेवलप कर गए हुए हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है। ये एक ही करेगा कि जब आप इसको रिपोर्ट करोगे तो ये अपना सारे का सारा, जितने भी इसमें पत्ते आपको खूबसूरत दिख रहे हैं, वो सारा का सारा ये नीचे गिरा देगा। आपको करनी ये है कि पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए जो पत्ते गिराता है उसको आप चून करके बाहर फेंक दिया करें, नहीं तो पेस्ट का अटैक हो सकता है। अब इसके सॉयल को आप देखेंगे तो आपको इसमें अच्छी ड्रेनेज वाली सॉयल रखनी है। सॉयल ऐसा हो
कि ज़्यादा पानी ना रुके, इसका ख्याल रखना है। साथ ही आप इसमें कुछ ईंट के टुकड़े इस तरह के बनाकर डाल दें तो अच्छा रहेगा। मैंने इसमें डाल रखी है, ये आपको दिखाने के लिए मैं दो तीन रख ली थी, यहाँ आपको एक दो दिखाई देंगे। ये तो ईंट के टुकड़े, कंकर, ये सब मिला दें तो ये इसको ज़्यादा पसंद आता है। तो आपको करनी ये है कि इसकी सॉइल को ज़्यादा सैंड मिला के इसमें ईंट ईंट वगैरह के टुकड़े डालकर आपको इसको लगानी है। अब मुझे एक चीज़ और आपसे शेयर करनी है कि एक इसके स्टेम जो हैं बहुत नीचे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसे मुझे नहीं रखनी है तो इसे मैं यहाँ से हटा लेती हूँ और इसको अलग से मैं ग्रो कर दूँगी। अभी बरसात का समय है, ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो इसे मैंने हटा दिया है, अब इसको इसमें रिपोर्ट कर देते हैं। थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी मिट्टी मैं और हटा देती हूँ इससे। या किनारे कर देती हूँ, फिर तो मिट्टी डालनी ही है। चलो किनारे ही कर देती हूँ। हाँ से दबा कर हल्की फुल्की, बहुत कस के नहीं दबानी है। ऐसा नहीं कि मिट्टी को एकदम कड़ा कर देना है। थोड़ी सी दबा देने से कुछ एयर पॉकेट्स जो होते हैं वो ऐसे भी निकल जाते हैं। तो इसको आप इस तरह से हाथ से दबा कर और भी मिट्टी को मैं इधर किनारे कर लेती हूँ ताकि अब इसकी ऊंचाई ठीक रहेगी। गिर रहा है इधर से, इधर मिट्टी दबा देते हैं। अब इसमें सॉइल भर दें। सॉइल मैं जो रखती हूँ 50% इसमें सैंड है और 50% मेरे खेत की मिट्टी है। जिस समय प्लांट को लगाते हैं उस समय इसमें फर्टिलाइजर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्लांट वैसे भी कोई फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहने वाला नहीं है। आप इसको आपकी मर्जी पर है, आप चाहो तो कभी समर में स्प्रिंग में थोड़ी सी डाल दो, ये बात अलग है, लेकिन इसे बहुत केयर की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र भी आपसे नहीं मांगेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये फाइकस प्लांट लग गया। अब इसमें वाटर दे देते हैं और इसको कुछ दिनों तक, यानी कम से कम 4-5 दिन तक इसको छाए वाली जगह में रखते हैं। साथ ही जो ये पत्ते गिराएगा, नई जगह में आने का जो इसको तकलीफ़ होगा उसमें, ये अपना दिखलाने के लिए कि मैं दुखी हूँ, अपने सारे पत्ते को गिरा लेगा। और आप इस अवस्था में घबराया ना करें और ये फिर से अपना नया पत्ता देगा और बना रहेगा। साथ ही एक जो मैंने इसकी कटिंग यहाँ काटी है, इसके पत्ते को रिमूव कर लेती हूँ और आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। मैंने इसके सारे पत्ते हटा दिए हैं। मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा कि मैडम इसके पत्ते जब कटिंग लगाते हैं उसके पत्ते को क्यों हटा देते हैं, तो मुझे आपसे ये बात शेयर करनी है कि पत्ते इसलिए हटा देते हैं कि वे भोजन मांगे नहीं। क्योंकि प्लांट को अपना जड़ निकालना रहता है, जड़ बनाना रहता है। उस अवस्था में अगर वो अपने भोजन का डिस्ट्रीब्यूट करते रहे पत्तों में तो रूट निकलने में समय लग जाएगा। साथ ही आप देख रहे होंगे कि कुछ पत्तों को मैंने आधे ही काट रखे हैं, कुछ को पूरी हटा दी हो। तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आप पत्ते को पूरी तरह से ही हटाएं, बल्कि थोड़ी सी आप छोड़ करके ही हटाएं तो बेहतर रहता है। ये जैसे ही आप पत्ते को आधा पर से भी काट देते हो तो ये भोजन लेना बंद कर देता है, ये नहीं लेगा अभी। इसमें शक्ति
जो है वो उतनी नई लगेगी। अब इसको इसमें ग्रो करने के लिए ये जो आप सॉयल देख रहे हो, ये कटिंग ग्रो करने वाली सॉयल है जिसमें 80% सैंड है और मात्र 20% खेत की सॉइल इसमें है। इसी में इसको अंदर की तरफ ऐसे करके लगा देनी है, साथ ही उंगली से आप यहाँ पर इसके किनारे किनारे थोड़ी दबाव देते हुए अच्छी तरह से यहाँ पर दबा दो ताकि इसमें जो एयर हो, एयर पॉकेट्स हों, वो निकल जाए। तो इस तरह से मैंने इसको इसमें लगा दिया है। इस तरह से आप भी लगा सकते हो, एक प्लांट खरीद के लाओगे और कई प्लांट आपके पास हो जाएंगे। इसके बाद पानी दे देनी है। दोस्तों, इसी के साथ नगीना शर्मा आप लोगों से विदा ले रही है। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।